दिल्ली की सियासत में अब तक आपने एलजी और केजरीवाल के बीच अधिकार और अधिकारियों को लेकर तनातनी खूब सुनी होगी, जो लड़ाई कोर्ट तक भी पहुंच गई। लेकिन अब दिल्ली सरकार के अधिकारियों के बीच ही विवाद शुरू हो गया है। क्या है ये पूरा मामला, बताएंगे आपको इस वीडियो में। दरअसल दिल्ली सरकार में कार्यरत दो अधिकारियों में तनातनी बढ़ती जा रही है। दोनों की ओर से कई तरह के आरोप प्रत्यारोप के बाद अब स्वास्थ्य मंत्री के सचिव ओपी मिश्रा पर गृह विभाग में अनाधिकृत दखल अंदाजी का आरोप लगा है। आरोप है कि ओपी मिश्रा रोजमर्रा के मामलों को कथित रूप से प्रभावित करने की कोशिश करती हैं। ऐसे मामले में गृह विभाग के डिप्टी डायरेक्टर को संदेश भेजे हैं। इस तरह के आरोप लगाते हुए विजिलेंस डिपार्टमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी YVVJ राजशेखर ने इस बारे में होम डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को पत्र लिखकर मामले में कार्रवाई के बारे में अनुरोध किया है। अब आपको बता दें कि विजिलेंस डिपार्टमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी YVVJ राजशेखर ने जो होम डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर को लेटर लिखा है, उसमें उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के सचिव ओपी मिश्रा पर क्या आरोप लगाए हैं। YVVJ राजशेखर ने लेटर में कहा है कि उन्हें जानकारी मिली है कि ओपी मिश्रा गृह विभाग के दिन प्रतिदिन के मामलों को प्रभावित कर रहे हैं। लेटर के अनुसार ओपी मिश्रा कुछ अज्ञात व्यक्तियों के इशारे पर एक विदेशी को भारतीय नागरिकता प्रदान करने की फाइल को शीघ्र निपटाने के लिए गृह विभाग के अधिकारियों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इस बारे में संबंधित उपनिदेशक से पूछताछ की, साथ ही उन्होंने इस मामले की पैरवी की और व्हाट्सएप पर दस्तावेज भी भेजे, जिसके बाद स्पेशल सेक्रेटरी YVVJ राजशेखर ने कहा है कि ऐसे संवेदनशील मामलों में इस प्रकार की गतिविधि अवैध और अत्यधिक अवांछनीय है। बता दें कि ओपी मिश्रा पहले गृह विभाग में भी कार्यरत रह चुके हैं। लेटर में ओपी मिश्रा पर यह भी आरोप लगाया गया है कि वे FSL अधिकारियों के व्हाट्सएप ग्रुप का सदस्य बनकर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की गतिविधियों पर भी नजर रख रहे हैं। इसीलिए ये भी देखा जाए कि क्या अभी भी वे उस ग्रुप का हिस्सा बने हुए हैं या अस्तित्व में हैं। जिस पर मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए स्पेशल सेक्रेटरी YVVJ राजशेखर ने प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी को आवश्यक कार्रवाई के लिए पत्र भेजा है। दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग के सचिव ओपी मिश्रा ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर कहा है कि उन्होंने गृह विभाग के काम को प्रभावित करने की कोशिश नहीं की है। जिस मामले में उन पर आरोप लगाया गया है, ये मामला लंबे समय से लंबित है, इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है। मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी कि जरा इस मामले की वास्तविक स्थिति पता कर दे। इस जानकारी के लिए वे गृह विभाग में गए थे। होम डिपार्टमेंट की एडिशनल सेक्रेटरी अपने कार्यालय में नहीं थी, तो उन्होंने गृह विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी से इस बारे में पूछा था। उन्होंने संबंधित आवेदक की जानकारी उप सचिव को व्हाट्सएप पर भेजी थी। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में मैंने गृह विभाग के प्रधान सचिव के पास जाकर स्पष्टीकरण दे दिया है। इसके बाद ओपी मिश्रा ने कहा कि जहां तक इस बारे में पत्र भेजने की बात है, तो राजशेखर इस बारे में पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। कोई देख नहीं रहा, वे इस पद पर रहकर अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी निकाल रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी ओपी मिश्रा और YVVJ राजशेखर के बीच तनातनी रह चुकी है। राजशेखर ने परिवहन विभाग में मर चुके लोगों के नाम पर परमिट जारी कर देने के मामले में आरोपी लोगों को क्लीन चिट दे दिए जाने के मामले में ओपी मिश्रा को नोटिस भेजकर जवाब मांगा था, जिस पर ओपी मिश्रा द्वारा भेजे गए जवाब ने राजशेखर पर कई तरह के आरोप लगाए गए थे। इसमें उन्होंने NDMC में रहने के दौरान के कुछ मामलों का भी जिक्र किया था, जिसके जवाब में राजशेखर की ओर से ओपी मिश्रा को पत्र लिखा गया था कि वे उन पर किस आधार पर आरोप लगा रहे हैं। उस मामले में पत्राचार हो ही रहा था कि एक और मामला सामने आ गया। बहरहाल इस मामले पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।